हम जहाँ कहीं भी हैं हम अपना जगह ले लें और शांति पूर्वक भक्तिमय प्रार्थना में वातावरण बनाए रखने का कष्ट करेंगे। आज के पर्व हिस्सा का मतलब है कि हमारे 394 बच्चे बच्चियां दृढ़ीकरण संस्कार ले रहे हैं। अब हमारे इन 394 बच्चे बच्चियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें पवित्र आत्मा का उजियारा दे, इनके पथ प्रदर्शन करें, इनकी अगुवाई करें, इन्हें सच्चे और अच्छे मार्ग चुनने के लिए पवित्र आत्मा विशेष मदद करें और अपने भावी जीवन को प्रभु में बना सके, प्रभु पर पूर्ण विश्वास कर सके, अपने विश्वास को गहरा बना सके और एक सच्चे और अच्छे कृष्ण का जीवन जी सके। ईश्वर हमारे बेटे बेटियों के भावी जीवन को उज्जवल बनावे, सफल बनावे, ताकि आनंद पूर्वक अपने जीवन को पिता परमेश्वर के हाथों समर्पित कर सके। ईश्वर इन्हें सुरक्षित रखे। और यह पवित्र मिसाब हमारे 394 बच्चे बच्चियों की ओर से लोयला नगर की ओर से आज महिमा में पिता की आशीष कृपा से बच्चों की सफलता परिवार में मिले। सभी कृपा दानों के लिए पिता यीशु को धन्यवाद। प्रभु सभी बच्चों को स्वस्थ रखे, उनके काम पर आशीष दे तथा दृढ़ीकरण लेने वाले बच्चे अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संचार आप सबको प्राप्त हो। परम आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित फादर सामुएल, हमारे अन्य फादरगण, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, और आज जो आप लोग दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने जा रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत बड़ा पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं। और वो कौन सा पर्व है? आज हम लोग, जैसे फादर जॉन कहा, आज हम लोग पेंटेकोस्ट का पर्व मना रहे हैं। और इस पेंटेकोस्ट के पर्व के समय क्या होता है? इस पेंटेकोस्ट के पर्व के समय पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है और प्रेरितों को बिल्कुल बदल देता है और प्रेरितों को बिल्कुल नया कर देता है, जैसे आज के पाठ में हम लोग सुनेंगे। और वही पेंटेकोस्ट का पर्व आज हम लोग हमारे इस पारिश में मना रहे हैं और आज हम लोग यही याद करना चाहते हैं और याद कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा हम सबों के दिल में आएगा, पवित्र आत्मा हम सबों के हृदय में उतरेगा और निवास करेगा और ये पवित्र आत्मा हम सबों को बिल्कुल नया कर देगा और हम सबों को बिल्कुल बदल देगा, जैसे पवित्र आत्मा शिष्यों को बदल दिया। शिष्यों को पवित्र आत्मा एक नई शक्ति प्रदान करता है, पवित्र आत्मा शिष्यों को एक नया बल देता है। और हमारे शिष्यगण पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा उनके हृदय में उतरता है
वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने लगते हैं। वहां के लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि कैसे ये हमारी भाषाएं बोल रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की शक्ति का नई शक्ति प्रदान करेगा, हमें एक नया बल प्रदान करेगा, हमें एक आध्यात्मिक शक्ति दे, हमारे विश्वास को पक्का करेगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा। और आज विशेष रूप से कृपा का दिन है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उतर रहा है और पवित्र आत्मा की इस कृपा को स्वीकार करने के लिए हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा। हमें विशेष करके हमारे हृदय में जो भी हमारी कमजोरियां हैं उसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। पुराने जीवन को हमें छोड़ दे, ईश्वर से हम माफी मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने की अकुमारी धन मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु ईश्वर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Thank you.
हम पर अपना पवित्र आत्मा को भेज दे, जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है, हम उसके सामर्थ्य से समस्त संसार के समक्ष प्रभु यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का साक्ष्य दे सकूं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 24 से 28। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम लोगों में एक नया अपना आत्मा रख दूंगा। प्रभु का कहना यह है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर जल छिड़का दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देवमूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु की वाणी। Thank you.
का मूल वाक्य है। प्रेरितों ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहात में बिखर गए। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेत्रुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेत्रुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरे शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें वह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त स्तुति हो। आदरणीय फादर साहब, हमारे अन्य फादरगण, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, और आज ग्रहण करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के निकट
चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन आप लोगों का दिन है और आज यह दिन आप लोगों के लिए बना हुआ है। इसलिए आज हम लोग सब कोई खुश है आप लोगों के लिए कि आज जैसे हम लोगों ने इसका कृष्ण गुरु ने बतलाया कि आज हम लोग एक विशेष त्यौहार मना रहे हैं और वो है पेंटेकोस्ट का त्यौहार। और इस पेंटेकोस्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया कि पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है और पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर करके प्रेरितों को आशीष और कृपा से भर देता है और उनको एक नया जीवन देता है, उनके जीवन को बिल्कुल बदल देता है। और वही पवित्र आत्मा आज लोगों के प्रत्येक जन के हृदय में आ रहा है, आएगा अभी कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद में मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय में मैं खूब और इस तरह से पवित्र आत्मा आप लोग के हृदय में। ये विक्रम संस्कार हमारे सातों संस्कारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। ये संस्कार हम जो बपतिस्मा संस्कार लिए है उसको पूरा कर। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन अपने अपने बपतिस्मा को कोई याद नहीं करता है? हम लोग कोई याद नहीं करते, क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग छोटे थे जब हम लोग को बपतिस्मा मिला और जब हमें बपतिस्मा मिला तो हमारा यही विश्वास है कि हमारे माता पिताओं का विश्वास हम लोगों के ऊपर उतरा और आज तक आप लोग माता पिता के विश्वास के अनुसार आप लोग जी रहे हैं और आज से जब पवित्र आत्मा आप लोग के हृदय में आएंगे तो पवित्र आत्मा वही विश्वास जो हम बपतिस्मा संस्कार में हम पाए हमारे माता पिताओं के द्वारा उस विश्वास में पवित्र आत्मा आप लोगों को मजबूत करे और उस विश्वास के अनुसार आप लोगों को जीना होगा और उस विश्वास में आप लोग को मजबूत होकर के उस विश्वास के अनुसार आप लोगों को जीना होगा। और इस तरह से ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग दृढ़ कर संस्कार के समय में आप लोग सीख रहे थे होंगे और आप लोगों को बतलाया गया होगा संस्कार क्या। संस्कार श्री कृपा का बाहरी चीज जैसे आप लोगों ने हमें बतलाया और इस तरह से जैसे हम लोग देख रहे हैं कैसे संस्कार भीतरी कृपा का बाहरी चीज है। आप लोग रोज ऐसा ही पहन करके आते हैं क्या इसको? आज देखिए आज विशेष वस्त्र पहन करके आप लोग आए हैं सफेद सफेद, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है ना। और लड़की लोग को तो देख रहे हैं कोई कोई एक एक किलो का पहना हुआ है, चलने भी नहीं सक रही थी कोई कोई मैं देख। और देखिए इस बाहरी चीज के द्वारा ईश्वर कृपा आप लोगों को दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पवित्र आत्मा आप लोगों को बदल दिया
देखिए आप लोग को देखते देखते पवित्र आत्मा आपको बदल दे, आप लोग ऐसा नहीं दिखते थे वो, है ना, लेकिन देखिए आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बदल दिया। ये पवित्र आत्मा का कृपा, आप लोग रोज ऐसा नहीं होते लेकिन आज देखिए पवित्र आत्मा आप लोगों को बदल दिया, जैसे शिष्यों को पवित्र आत्मा बदल दिया। जैसे पेंटेकोस्ट के दिन में क्या हुआ उसको हम लोग सुनते कि कैसे पवित्र आत्मा आप लोगों को बदल दिया, ये हम लोग देख रहे हैं और ये सत्य है, आप लोग के सामने आप लोग गवाह है, और इस तरह से पवित्र आत्मा आप लोगों को एक नया जीवन दिया है, और इस पवित्र आत्मा के इस कृपा को आप लोगों को बनाया है, और विशेष करके जब हम लोग बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो हम लोग को और एक अधिकार हम लोग को मिलता है, वो है नबी का अधिकार। नबी का क्या मतलब, नबी का मतलब है नबुव्वत करना, यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना। अभी आप लोगों को जब पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, आप लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना होगा। जैसे पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरितों को जब पवित्र आत्मा का वरदान मिला, वह दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, वैसे ही आज से आप लोगों को अपने विश्वास में पक्का होकर के सुसमाचार का प्रचार करना होगा। कैसे सुसमाचार का प्रचार करना होगा, आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, बाइबल पकड़ करके आप लोग रोज गांव गांव नहीं घूम सकते हैं, लेकिन कैसे सुसमाचार का प्रचार करना होगा। सुसमाचार का प्रचार हमें अपने जीवन से करना होगा, अपने अच्छे कामों के द्वारा करना होगा, अपने अच्छे वचनों के द्वारा हमें करना होगा, और अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा हमें सुसमाचार का प्रचार करना होगा। आपको देखते साथ आदमी को पहचान जाना है कि ये काफी, ये क्रिश्चियन, ये धार्मिक, आपके व्यवहार, आपके कानों से, आपके बोली वचन से आदमी को पहचान जाना चाहिए कि आज से आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का बोली वचन, आप लोगों के कानों को आप लोगों को बदलना है, और एक नया प्राणी बनाना, जिसे शिष्य एक नया प्राणी बनने के लिए सर, तो आपको बदलिएगा कि नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पर माँ बाप लोग सभी सबको ही सुने कि हमारे बच्चे आप बदलेंगे बोल रहे, और देखिए आप लोग सबको हम लोग उनको सुना दिए, माँ बाप लोग को हम लोग सब सुने, और इस तरह से आप लोगों को एक नया व्यक्ति आप लोगों को बनना, दूसरों को आप लोग मत, अपने को आपको देखना कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तो यही है पवित्र आत्मा का वरदान, और इस तरह से पवित्र आत्मा आप लोगों को एक नया जीवन देगा। तो आइए इस पवित्र आत्मा के वरदान को हम समझने की कोशिश करें। जैसे संत पौलुस लोगों के ऊपर हाथ रखता है और पवित्र आत्मा उन पर उतर जाता है और वे लोग पवित्र आत्मा से विभूषित हो जाते हैं, उसी प्रकार आज हम लोग पवित्र आत्मा से हम लोग विनती करें और पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय में उतरे, उसी प्रकार जब यीशु ख्रीस्त यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया संत योहन बपतिस्मा से, तब उस समय कठोर के रूप में पवित्र आत्मा यीशु ख्रीस्त पर रहा,
और इस तरह से पवित्र आत्मा की शक्ति वहां करती थी। यीशु क्रिस्त सुसमाचार का प्रचार जाता है। आप लोगों का सवाल होगा, जी हाँ मैं परित्याग करता हूं। क्या आप लोग शैतान का उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। आप लोगों का उत्तर होगा, जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग यीशु ख्रीस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो ग्रीकरण संस्कार में आपको आज विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्ट के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संगम, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। प्यारे बच्चों, यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इससे हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभियंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रीस्त के अनुरूप बना दे। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जन तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक सेविकाओं को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दासता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता परमेश्वर, इन्हें पवित्र आत्मा के साथ वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठता का दान तथा श्रद्धापूर्ण भय का दान प्रदान कर। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
माँ पिता ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रसन्न, जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे इस वचन के प्रचारक होने के नाते सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के समक्ष प्रेम, एकता और समानता का उदाहरण पेश कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता जो उन्हें चंगाई प्रदान कर ताकि वे जल्दी सुस्वस्थ होकर आपकी महिमा दिनों दिन कर सके, इसके लिए पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, ये धर्मराज के सभी युवक भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सही मार्ग का चुनाव कर सके और अपने जीवन में सफल हो पाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी नेताओं तथा नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों और असहाय लोगों के प्रति ध्यान दें और उनकी आर्थिक मदद करने के लिए सदा तत्पर रहें। साथ ही पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सभी नागरिकों को अच्छी तरह से चला सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। समाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए विश्वासियों के हृदयों में, उनका निरंतर विकास होता रहे। हम यह मानते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे इस पर के लिए आपका यह बलिदान। हे प्रभु, अपने भक्तों की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले, अपने मुक्ति कार्य द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकारी के अनुरूप बनते जाए और उत्साहपूर्वक उनका साक्ष्य देते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के साथ हो। माला शाश्वत ईश्वर ये वास्तव में वो सीता न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से उसका पथ प्रदर्शन करता है। तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको इस प्रकार की सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर्ग स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा यीशु गान करते से प्रार्थना करते हैं। तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का है, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुमने स्मृति में यह विश्वास का रहस्य स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जिसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, हमारे प्रशासक फादर लिनिस पिंगल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो प्रोत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन कर सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम हमारे इन बच्चों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन बच्चों के हृदय को बदल दे और उनको एक नया बना दे और उनको पवित्र आत्मा के सातु वरदानों से भर दे। और हम वही प्रार्थना हम करें जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है।
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्यवाद पूरी करेंगे। अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ आत्मा के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जिन्होंने आज पवित्र आत्मा आप सबों के हृदय में भेज दिया है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं सोच नहीं कि आप मेरे यहाँ आए क्योंकि यीशु सब कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
दिखाई दे रहे हैं। कृपया माला पहनाए तो अभिभावक वहां से हट जाए, कृपया माला पहनाए तो बच्चों के पास से हट जाइए और उनको संपूर्ण रीति से परम प्रसाद ग्रहण करके अपना भाव खत्म करने में मदद करें। माँ बाप आप ही उदंड बनिएगा तो हम बच्चों की इजाजत पाएंगे। माँ बाप अभिभावकों को उनको बार बार कहा जा रहा है, उधर लड़कियों की बंती में बहुत सारे अभिभावक बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लड़कियों के भाग में बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी तक संपूर्ण रीति से प्रभु को ग्रहण करने का काम खत्म नहीं हुआ है, कृपया आप हट जाइए। Yeah.
करता है।